दोस्तों आप परेशान हो चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन नोटिफिकेशन से, तो आप किस तरह से उसे बंद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने क्रोम नोटिफिकेशन को डेस्कटॉप स्क्रीन से परमानेंटली हटा सकते हैं, और ये सारे साइटों पर काम करेगा। अगर आप कोई स्पेशल साइट का यहाँ पर नोटिफिकेशन हटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाना है। जो आप शुरू से लेकर आज तक ज़रूर देखेगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ पर एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र जब आप ओपन कर लेंगे, और अपने आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जब आप गूगल होम पेज पर आ जाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर कॉर्नर पे आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर कुछ उस पेज का इंटरफेस इस तरह से रहेगा। यहाँ पर क्रोम की सेटिंग में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्रोम की सेटिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सेटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर जो क्लिक करना है और जिस सेटिंग का यूज करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर देना है। एडवांस के ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो एडवांस के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर साइट सेटिंग पर क्लिक करना है। और साइट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपने क्लिक किया साइट सेटिंग पर, आप यहाँ पर देखेंगे आप आ चुके हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की सेटिंग पर, और आपको यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बाकी सेटिंग पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन की सेटिंग करनी है। बंद पर करना है तो आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर साइट में डॉट दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। फ्रेंड आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट के को यहाँ पर सर्च करके उसके नोटिफिकेशन को क्लोज कर सकते हैं। और फ्रेंड आपको यहाँ पर उसके नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आस्क बिफोर सेंडिंग रिक्वायरमेंट, फ्रेंड अगर यहाँ पर आप जो इस समय ऑन देख रहे हैं, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी साइट के आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो वो सारे नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाकी साइटों के यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और तो आपको क्या करना है, इसको ऑन रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन ब्लॉक का दिखाई दे रहा है और साइड में ऐड दिखाई दे रहा है, तो आपको उस साइट का URL कॉपी कर लेना है जो नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, और उसको आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आप जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर उस साइट के नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप मैनुअली ही उसको मतलब जो भी साइड है उसके नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं या परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके उस साइड के जो नोटिफिकेशन है आगे भी बार बार आएँ, तो आप उसको कस्टम में कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको अलाव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐड का भी यहाँ ऑप्शन मिल रहा है आपको, लेकिन आपको जो साइड दिखाई दे रही है उसके आगे एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 201 MB का यहाँ पर आपको इसका कुकीज डाटा मिल जाता है, जिसको आप क्लियर डाटा चाहें वो कर सकते हैं, रीसेट परमिशन इसकी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्लॉक भी आपको दिखाई दे रही हैं, लोकेशन है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, तो मोशन सेंसर वगैरह यहाँ पर कुछ अलाउ कर रखे हैं, नोटिफिकेशन है यहाँ पर ब्लॉक
रखें अगर आप जिस टाइप का चाहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट भी, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ दी है जिन सेटिंग को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कस्टम में। और अगर आप यहाँ इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्लियर डाटा आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। और रिसेट करने के बाद उपरांत आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, नीचे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप अपने अनुसार जिस साइट का यहाँ पर जो एड्स है उसको अलाउ कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर रिमूव करके दिखा देता हूँ। और जैसे मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे से जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर उसका रिमूव हो चुका है। अब उस साइड से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फ्रेंड आप कुछ इस तरह से यहाँ पर अपनी वेबसाइट के नोटिफिकेशन को यहाँ पर आने से रोक सकते हैं। तो अभी आप जैसे मैंने इसको यहाँ बंद किया जिस साइड में, तो आपको इस साइड में जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो अभी आना बंद हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं जिस जिस साइड का नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और बाकी आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए या एडिट कर दीजिए जैसा चाहें। तो अगर कोई साइट बताए तो आप साइट भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है। तो आप इसी तरह से अपने वेबसाइट और का जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है तो उसे बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रोम का जो भी वेबसाइट से जो भी आप यूज करते हैं जिन जिन वेबसाइट को, तो उन सभी से आपको जो नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर बार बार आ रहे हैं तो वो भी आना आपके यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो आप उसको अनुसार अपने सेट कर लीजिए। और फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।